कोई टक्कर में है? मोदी जी के विकल्प में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। मोदी जी के नकल करते हुए सब लोग हिंदुत्व पर वापसी कर रहे हैं। मॉडल तो मोदी जी का ही चलेगा, बीजेपी ही आएगी 2024 में भी और हिमाचल और गुजरात में भी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम केजरीवाल की तो बात मत करो, केजरीवाल जैसा तो आदमी मैंने देखा ही नहीं। ये बोलता है स्कूल ऐसे, स्कूल के अंदर देखा कैसे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे तो सिगरेट पी रहे हैं। दिल्ली को तो दुर्दशा करके रख दिया है, जो पहले था वही ठीक था। मोदी जी ऐसे आदमी हैं, वो शेर हैं और ये है गीदड़। तो गीदड़ जब शेर निकलता तो गीदड़ बड़बड़ाते रहते हैं, वही कर रहे हैं ये। इनके हाथ में कुछ है नहीं, सारे इकट्ठा हो जाए, पूरा दो चार देश और इकट्ठा कर लें, मोदी के सामने कोई नहीं है। किस तरह देखते हैं आप देश में जो चल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किस तरह से काम हो रहे हैं देश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में का प्रश्न जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के पूर्व उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, आम नागरिक का जीना दूभर हो गया था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से वहाँ पर माफिया, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद ये अंतिम सांसें गिन रहा है। पूरी तरह से माफिया का नेक्सस ध्वस्त कर दिया गया है। अब किसी की भी यह हैसियत नहीं है कि वहाँ के कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का खिलवाड़ कर सके। यहाँ तक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़कें, उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे अबाध विद्युत की आपूर्ति हो रही है। जिस तरह से देखा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, डबल इंजन की जो सरकारें हैं, हमेशा ये विपक्ष पूरा लामबंद हो जाता है कि इस सरकार क्या है, केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो विपक्ष है, कुछ ना कुछ कहेगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर जो है विश्व के सभी मंदिरों का मंदिर बन रहा है, अत्यंत भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। राम इस जनमानस की आस्था है, जब किसी भी व्यक्ति को कहीं पर शरण नहीं मिलती है तो वह राम की शरण में जाता है। आज राम मंदिर निर्माण से उत्तर प्रदेश वासी पूरी तरह से प्रसन्न है, और उत्तर प्रदेश वासी ही नहीं, संपूर्ण देशवासी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम का एक अपना महत्व है, और उनके मंदिर के निर्माण से हिंदू आस्था को बल मिला है। इस तरह से देखा जाता है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जो है शासन दिया है देश में आज़ादी के बाद, और सबसे ज़्यादा उनके जो सीनियर मोस्ट नेता हैं वो भी ये तंज कसते हैं कि मोदी जी जो है एक तरफा जो काम कर रहे हैं, डराव अराजकता का माहौल है, एक कम्युनिटी जो है डरी हुई है, और अब ये कहते हैं कि जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है हम एक नेतृत्व तो अपना तैयार करेंगे और मोदी जी को मार देंगे। तो क्या लगता है 2024? आम जनमानस जो भी गरीब तबका है, आप ये समझें कि जो खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की है कोविड जैसे महामारी में, जो वैश्विक महामारी थी, सारे देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उस समय उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी महाराज 24 घंटे दिन रात एक तरह से मेहनत करके और लोगों तक भोजन, पानी, दवा की व्यवस्था करवाई है। क्या लगता है आपको जिस तरह से जो है पूरा देश में फिर उत्तर प्रदेश में किसी को एक भी सीट विपक्ष को मिलने वाली नहीं है? जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार से माननीय योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व कार्य कर रहा है, वहाँ जो छोटी जनता है, जो गरीब जनता है, वह प्रसन्न है, बाकी प्रतिपक्षी वहाँ सन्न हैं। जो अभी चुनाव चल रहे हैं, चाहे गुजरात की बात करते हैं, चाहे हिमाचल की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हैं किस टाइप के जो है रुझान आने वाले हैं? और जैसे कि गुजरात में भी जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका भी टिकट कट रहा है,
तो बड़े बड़े दिग्गज का, तो किस आधार पे जो है वहाँ पे किस तरह की स्थिति रहेगी। एक तरफ विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की जो है, राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन दो राज्यों में मुख्य रूप से ये हिमाचल और ये गुजरात में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सबके बावजूद विपक्ष का जो कर्तव्य है वो कर रहा है, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। योगी की जब बात करते हैं तो जो बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर का जो एक्शन होता है, विपक्ष कह रहा है कि ये कुछ जो है ना अपने जो है व्यक्तिगत जो है दुश्मनी की बात भी हो रही है। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है उन्होंने समाज विरोधी काम किया है, आम जनमानस और गरीब लोगों को त्रस्त किया है, नियम विरुद्ध काम किया है, और उससे जो भी उन्होंने संपत्ति का अर्जन किया है उसको चिन्हित करके उसको गिराने का काम किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस उनके आतंक से, माफिया के आतंक से उनको निजात मिल रही है। उत्तर प्रदेश के माफिया और आतंकवादी या तो प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं या जेल में जा करके शरण ले रहे हैं, तो इससे वहाँ आम जनमानस प्रसन्न है। ठीक है, उनका अब तक जो आतंक था उससे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों त्राह त्राह कर रही थी, किसी की हैसियत नहीं थी कि उनके ऊपर उंगली उठा दे। उस काम को योगी जी ने अंजाम दिया है और वो सर्वथा धन्यवाद के पात्र हैं। आपका अनुभव लगता है कि आपने कई राज्य सरकारें देखी होंगी और कई सरकारें आपके सामने बनी होगी, कई पार्टियों की सरकार बनी होगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ के केजरीवाल जैसे कि एक भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे से निकल करके वो पॉलिटिशियन बने, वो ये दिल्ली का मॉडल लेकर के गुजरात जाना चाहते हैं, दिल्ली का मॉडल लेकर के हिमाचल जाना चाहते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में जो है सक्रिय होना चाहते हैं। दिल्ली में वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके शुरू में आए और ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन उनके सहवर्ती, उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो आम जनमानस और राष्ट्रीय स्तर पर पसंद नहीं किया जा रहा है। जैसे पंजाब में सरकार बन गई, पंजाब का मुख्य काम था कि उसको ड्रग्स और उससे नई पीढ़ी को बचाना, जिससे ये इनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और उनके मुख्यमंत्री जो भी कृत्य कर रहे हैं आप लोगों को पता है। तरह से वहाँ पे जो है शिवसेना के जो एक नेता का वहाँ पे इनका वो गोली लगी है, इतने सुरक्षा के बावजूद भी, जबकि इनपुट्स थे कि इनको खतरा है, इसके बावजूद भी पंजाब पुलिस उसको नहीं बचा पाई, तो वो किस तरह का मॉडल लेके जाना चाहते हैं। नहीं, शुरू में यह था कि पंजाब में इनकी सरकार बनेगी और यदि ये वहाँ सुशासन की स्थापना कर सके तो इनको पंजाब से राष्ट्रीय स्वरूप मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से पंजाब में फेल हो गए, वहाँ सुशासन की स्थापना नहीं कर पाए, पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए, पंजाब को ड्रग और माफिया से मुक्ति नहीं प्रदान कर पाए, इसलिए वो वहाँ पर पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और ये पंजाब में उनकी सरकार बनना उनके लिए घातक होगी। वो ये गुजरात और हिमाचल में क्या स्थिति रहेगी जिस तरह से मॉडल लेके जो दिल्ली का मॉडल? मॉडल तो मोदी जी का ही चलेगा। जिस तरह से आप जो लॉबिंग हो रही है 2024 के लिए, प्रधानमंत्री का चेहरा इनमें कौन सा है? आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आप कहें तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष के चेहरा हैं, 545 सीट में उनके पास वर्तमान में एक दहाई सीट भी नहीं है, तो वो कैसे राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं? पश्चिम बंगाल की नेता कह रहे हैं, आपके केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो इनका सबको राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। राहुल गांधी कितना बना पाएंगे क्योंकि भारत जोड़ गया? राहुल गांधी का निरंतर वोट ग्राफ गिर रहा है, जो भी इधर चुनाव हुए, जो भी उपचुनाव हुए, उनमें भी उनका वोट का ग्राफ नीचे जा रहा। वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये बात सही है, लेकिन निरंतर उनके वोटों का में कमी आ रही है और लगातार उनका प्रतिशत गिर रहा है। दक्षिण भारत में जिस तरह से वो अभी कभी वो चंदन लगा देते हैं, कभी जो है मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कभी
वो जो है धर्मनिरपेक्ष बनते थे, तो अब जो है इस तरह से सब लोगों को यह प्रसन्नता है कि योगी जी का जो राष्ट्रीय हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर सभी लोग लौट लौट के आ रहे हैं, आना चाहिए। यह हिंदुस्तान मूल रूप से हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। अब मोदी जी के नकल करते हुए सब लोग हिंदुत्व पर वापसी कर रहे हैं, ये आम जनमानस के लिए प्रसन्नता का विषय है। सर, अब एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं कि ये क्या हिमाचल प्रदेश और गुजरात में क्या रिपीट होगी या ये मॉडल चलेगा? मोदी का मॉडल सफल होगा और वहाँ फिर से भाजपा के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी। 24 के लिए लॉबिंग हो रही है, इसको कहते हैं कि हम सब लोग जो है एकजुट होकर के लॉबी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी लॉबिंग हवा में है, सारी लॉबिंग हवा में है। अभी वो अपना चेहरा नहीं प्रस्तुत कर सके हैं कि किसको नेतृत्व करना है विपक्ष का। अगर कोई आपकी नज़र में है कि अगर वो बनता है इनमें तो कौन सा जो है चेहरा जो है प्रधानमंत्री लाएगा? कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। 2024 में कोई टक्कर में 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफे से और ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। लोकसभा के चुनाव अभी जो आने देखिए, लोकसभा के दो चुनाव थे, एक आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीटें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस उपचुनाव में एक जगह का नेतृत्व आजमगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कर रहे थे और दूसरी जगह जो रामपुर का चुनाव था वहाँ अल्पसंख्यकों के बड़े नेता जो इस समय जेल में हैं वो कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर कई बार कांटी निवेशन में जीत दर्ज की, लेकिन दोनों सीटें प्रतिपक्ष के हाथ से निकल करके माननीय योगी जी के नेतृत्व में दोनों सीटें जीत ली गई हैं। और अब फिर से एक मुलायम सिंह जी के मृत्यु से जो सीट खाली हुई है आजमगढ़ की और रामपुर की जो विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई है उससे खाली हुई दो सीटें हैं जिनके चुनाव प्रस्तावित हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो दो सीटों पर प्रबल विजय प्राप्त करेगी। 2024 में जो आम चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें क्या रहेगा, क्या मोदी जी के विकल्प में क्या कोई टक्कर में है? मोदी जी के विकल्प में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, अपने क्षेत्र तक सीमित हैं और जहां से आते हैं किसी के पास 20 सीटें उसके प्रदेश में है, किसी के साथ 25 सीटें हैं, तो 20-25 सीटें लेकर के 545 के हाउस में आप प्रतिपक्ष की भी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सरकार बनाना तो बड़ी दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, आपका क्या क्या अनुभव है? हमारा अनुभव तो बहुत बढ़िया है, मैं बीजेपी के साथ में हूं और बीजेपी ही आएगी 2024 में भी और हिमाचल और गुजरात में भी। जिस तरह से जो है केजरीवाल कह रहे हैं कि हम केजरीवाल की तो बात मत करो, केजरीवाल जैसा तो आदमी मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। ये बोलता है स्कूल ऐसे, स्कूल के अंदर देखा कैसे हैं, पढ़ाई कैसे हो रही, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे तो सिगरेट पी रहे हैं, ये कभी देखा इसने? नहीं देखा। किस तरह का मॉडल लेके जा रहे हैं? जब अभी यहाँ पे ये छठ पूजा थी तो यमुना का जो सफाई का बार बार जो है मॉडल, यमुना का तो आपने देखा ही होगा, बुज्जे फूट रहे हैं उसमें अभी, हैं क्या मॉडल बना के दे देंगे? ये दिल्ली का तो दुर्दशा करके रख दिया है, जो पहले था वही ठीक था। अभी तो ये दिल्ली के लिए बोलते हैं कि इसमें पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, कुछ इससे जो है केंद्र में, लेकिन पंजाब में तो पूरा पूर्ण बहुमत, पंजाब में तो पुलिस है उनके हाथ में, वहाँ क्या कर दे रहे हैं, वहाँ तो है ना पंजाब में उनके पास में पुलिस, क्या कर रहे हैं? अभी देखा जल्दी में एक हत्या हुई है, हैं क्या उसमें कर लिया, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए होंगे लोग। शिवसेना के जो नेता थे उसको इस तरह से बेरहमी तो किस तरह मारा, घुस के मारा, सिक्योरिटी लगी हुई है तब भी मार दिया, क्या इनकी पुलिस कर लेगी यहाँ दिल्ली पुलिस, दिल्ली का दुर्दशा कर देंगे ये तो। ये तो भौकाली आदमी है, झूठा आदमी बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो मॉडल जो दिल्ली का मॉडल, वो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हमारा एक उत्तम मॉडल है और हम इसको शिक्षा के लिए बता दिया कि स्कूल बाहर से नहीं दिखाई देता, एक स्कूल बना दिया तो मॉडल बन गया, उसके अंदर तो जाके देखें कि टीचर आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, ये नहीं देखा होगा कभी। तो अभी हिमाचल और गुजरात में क्या स्थिति रही? बता तो दिया आपको साफ साफ कि वहाँ पे बीजेपी के सिवा कोई दूसरा कोई पत्ता नहीं, किसी का नहीं कुछ। 2024 के लिए जो है पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, कहने मोदी का विकल्प जो है हम अपना एक नेतृत्व तैयार करेंगे,
मोदी जी को मात देंगे, तो आपको क्या लगता है कौन है मोदी? मोदी जी ऐसे आदमी हैं, वो शेर हैं और ये है गीदड़। तो गीदड़ जब ये शेर निकलता तो गीदड़ बड़बड़ाते रहते हैं, वही कर रहे हैं ये। इनके हाथ में कुछ है नहीं, सारे इकट्ठा हो जाएं, पूरा दो चार देश और इकट्ठा कर लें, जहाँ से इनको वो मिली है ना, क्या गिनी क्या बता रहे थे, स्कूल का मॉडल मिला है, उनको भी इकट्ठा कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मोदी के सामने कोई नहीं है 2024 में, कोई टक्कर, कोई भी नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मक्कार आदमी है, तो बिल्कुल नहीं है, सबको फराड में भर दे। दिल्ली वाले जो हैं, नीतीश कुमार वाले हैं, थोड़ा सा दिल वाले हैं, इसको थोड़ा सा उसका फ्री का दे दिया, किसी चीज़ का दे दिया, ठीक है। तो लेकिन अब फ्री उनको भी समझ में आ गया है कि क्या मेरे को फ्री मिल रहा है, तो ये तो नीतीश जी भी सुशासन बाबू हैं बिहार में। नीतीश तो गया, जहाँ जाना था उसको चला गया। ममता दीदी तो अब जहाँ हैं अभी, वो गुंडागर्दी करके जो कर लिया, अब उसके आगे उनको कुछ भी नहीं होना। राहुल गांधी भी दक्षिण भारत में राहुल गांधी की तो बात न करो, अब ये क्यों मंदिर में जा रहे हैं? हम केजरीवाल की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, कहते हैं ना, किसी मंदिर में गए आज तक? किसी में जल चढ़ा दिया जा करके? वो दम खाली मोदी और योगी में है कि जो मंदिर में जा रहे हैं। हिंदुस्तान उसी का असर हो रहा है कि हर चीज़ मंदिर में नहीं होता है, वो काम भी कर रहे हैं, वो काम वो दिख रहा है, ये क्या काम रहे हैं दिख रहा है, वो उनका भी दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं वो दौड़ने दो उनको, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो राहुल जी तो वैसे रह जाएंगे जैसे थे। क्या लगता है कोई भी टक्कर में? अरे कोई पीछे तक नहीं है, बहुत दूर, 200 किलोमीटर आगे।